गुड मॉर्निंग, नमस्कार स्टूडेंट्स। प्लांट फिजियोलॉजी एपिसोड 3, गुरु नीति, जो सीएलसी का यूनिक कंसेप्ट है, मैं और सर्वेश सर लगातार आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज की गुरु नीति एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्लांट फिजियोलॉजी के फोटोसिंथेसिस को, द फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अपने आप में बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, बहुत अच्छा इलेबोरेशन इसमें दिया गया है और बहुत माइन्यूट एस्पेक्ट्स के साथ इसमें परफेक्ट मैकेनिज्म जो है वो हमें पढ़ने को मिलती है। और सर, हर बार करीब करीब अगर हम देखें तो 2 क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो इससे अप्रोच हो ही जाते हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, इस बार एग्जाम में प्लांट फिजियोलॉजी से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अपने आप में वेटेज इन चैप्टर्स का बढ़ जाता है। तो सर्वेश सर के साथ मैं एमएम बल्डोदिया, आज के गुरु नीति प्लांट फिजियोलॉजी के एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7-6 से, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को सर शुरू में डिस्कस किया गया है। पूछ रहा है ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है, एक्सर्गोनिक है, एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी प्लांट्स में हो रही है, फोटोन ये रिसीव कर रहे हैं और अल्टीमेटली ये ऑर्गेनिक मैटर को सिंथेसाइज कर रहे हैं। सो ऑर्गेनिक मैटर जो सिंथेसिस यहाँ हो रहा है, ऑन द बिहाफ ऑफ द सिंथेसिस ऑफ दिस ऑर्गेनिक मैटर वी कैन कंक्लूड दैट द फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस। इसके अलावा कुछ और बातें दे रखी है, जैसे सर एक्सोथर्मिक लिख कर दे दिया, एक्सर्गोनिक लिख के दे दिया, कैटाबॉलिक प्रोसेस लिख के दे दिया। देखिए, कैटाबॉलिक और ब्रेकडाउन जो है वो एक्सर्गोनिक और एक्सोथर्मिक किसी भी तरीके से कंक्लूडिव यहां नहीं है, इसलिए आपका आंसर ऑलवेज जो है वो क्या होगा, एनाबॉलिक प्रोसेस। नेक्स्ट, इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस एट, लाइट इंडिपेंडेंट कह रहा है। बिल्कुल सर, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहां होगा। साइंटिस्ट में आपसे पूछा गया है, तो आप जानते हैं जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट बायमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है और इसमें ये ग्रेना थायलेकोइड जिस तरीके से अरेंज होती है, जो ग्रेना थायलेकोइड है वो लाइट रिएक्शन का साइट है और जो स्ट्रोमा मैट्रिक्स है एग्जैक्टली डार्क रिएक्शन का साइट है। लाइट इंडिपेंडेंट डार्क रिएक्शन इज द, जैसा सर बोल रहे हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन वो लाइट पे डिपेंड नहीं करती है। यहीं से एक बात हम बच्चे को बता सकते हैं सर, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो स्ट्रोमा मैट्रिक्स में हो रही है, ये लाइट रिएक्शन के या फोटोकेमिकल फेज के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड कर रही है, प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड कर रही है, जैसे आप कहते हैं एटीपी एंड एनएडीपीएच। क्लियर। नेक्स्ट, 7-8, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज दे ट्रांसफॉर्म द ग्रीन लाइट, ट्रांसमिट ग्रीन लाइट, एब्सॉर्ब ग्रीन लाइट, रिफ्लेक्ट द ग्रीन लाइट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जनरली अपन बात करते भी इससे रिलेटेड जो है, जैसे अपन फिजियोलॉजी एनाटॉमी को कनेक्ट करें तो अपन बोल देते हैं जो मेसोफिल सेल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, तो जो ग्रीन कलर है लीव्स का उसका रीजन है उसमें मेसोफिल सेल प्रेजेंट है। बिल्कुल, दोज आर ग्रीन इन कलर। मेसोफिल सेल जो है उनका ग्रीन कलर क्यों है, बिकॉज दे कंसिस्ट इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है और इसी की वजह से वो क्या करता है, जो ग्रीन लाइट उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। जो विजिबल स्पेक्ट्रम है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की लाइट, आप जानते हैं प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी रैप करता है, पार जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जैसा सर कह रहे हैं इसमें ये परफेक्टली इस ग्रीन लाइट को क्या कर पाता है, रिफ्लेक्ट कर पाता है, बाकी लाइट को ये ट्रैप कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये ग्रीन इन कलर अपीयरेंस में आता है। नेक्स्ट, 7-9, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट ऑफ द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर ए बी एंड सी। ए बी सी हम उधर मार्क कर लेते हैं। सर, इससे पहले फोटोफॉस्फोराइलेशन यहां कहा गया है, देखिए फॉस्फोराइलेशन की जो एक्टिविटी है दैट इज द एटीपी फॉर्मेशन। आप अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं तो आप माइटोकॉन्ड्रिया की ईटीएस पर और इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहां एटीपी फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, और आप अगर फोटोफॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं तो आप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एटीपी सिंथेसिस को डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल, यहां डायग्राम में बताया लाइट की प्रेजेंस में यहां पर अपन एटीपी बना रहे हैं, दैट इज द फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसमें सर एबीसी जो दिया गया है उधर मार्क कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो डायग्राम दिया इतना समझ गए होंगे कि साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन उसको उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जहां से इजेक्ट हुआ है एग्जैक्टली जिस फोटो सिस्टम से, वापस आप देखिए स्टूडेंट्स उसी में वो मूव कर रहा है, उसी में आप ये कह सकते हैं कम बैक करता है वो। तो इस तरीके से ए बी और सी जो आपके पास मार्क कर रखे हैं, तो ए तो ऐसे, सी से अगर हम चलें यहां से ये तो रिएक्शन सेंटर हो गया, रिएक्शन सेंटर सिंपल है, रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये इसका एक्सेप्टर हो गया, रिसेप्टर हो गया। ये जो ए है ये यहां पर जो रिप्रेजेंट किया वो आपका हो गया फोटो सिस्टम फर्स्ट। बिल्कुल।
जो फोटो सिस्टम है उस फोटो सिस्टम के रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हुआ और फाइनली आप कह सकते हैं एक्सेप्टर तक गया। तो ये आपने पढ़ा होगा, तो क्लोरोफिल ए दैट इज द रिएक्शन सेंटर, जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में आता है तो अपने ऑर्बिट से जंप करता है। बिल्कुल ठीक है, तो इसीलिए उसको ए को कंबाइंडली बी और सी में यहां दिखाया गया। तो सर ऑप्शन हमारे पास सी इज द रिएक्शन सेंटर, सी इज द रिएक्शन सेंटर व्हाइल बी इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड ए इज द फोटो सिस्टम फर्स्ट। ठीक है, सेकंड हो जाएगा, परफेक्टली हम आंसर करेंगे सेकंड। नेक्स्ट, गिवन ग्राफ इज ड्रॉन ऑन द पैरामीटर्स ऑफ द ग्रोथ वर्सेस द टाइम ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट। यहां जो है वो ये देखो ग्रोथ का क्वेश्चन एक है कॉन्सिडेंटली, कोई नहीं चलो डिस्कस हम कर लेते हैं। इस बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था सिग्मॉइड कर्व का, तो यहां दिया गया है जो ग्राफ है वो ग्रोथ, यहां किसी पर्टिकुलर प्लांट ऑर्गन का साइज लिया गया, टाइम के साथ इसको प्लॉट किया गया। तो सर बी जो है वो मैं देख पा रहा हूं लैग फेज है जो स्लो इनिशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद यहां से पॉजिटिवली एक्सेलरेट हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन लेता है और लॉग फेज में एंटर कर जाता है। ये लॉग फेज जो है वो रैपिड इंक्रीज को रिप्रेजेंट करता है, एक्सपोनेंशियल फेज, एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, मतलब मल्टीपल इंक्रीज होता है, जो एग्जिस्टिंग होगा उसका जस्ट डबल हो जाएगा। और ए अगर हम देख रहे हैं तो ये स्टेशनरी फेज को यहां रिप्रेजेंट करता है, तो इस तरीके से लैग लॉग और स्टेशनरी परफेक्ट एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे लैग फेज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, लॉग फेज नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड द स्टेशनरी। अब यहां नेगेटिव को लेके कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं बता दूं इस लॉग के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो नेगेटिव है क्योंकि पहले से कम हुआ है, वैसे ग्रोथ नेगेटिव नहीं हो रही है, अल्टीमेटली इस फेज के रेफरेंस में वो नेगेटिव है इसलिए ये फेजेज आते हैं। तो हमें देखो दे रखा है, हमें ए बी और सी डिटेक्ट करना है, लैग लॉग स्टेशनरी, लैग लॉग स्टेशनरी, आप इसमें से ये क्लियर कर। नेक्स्ट 81, कैन प्लांट लैग स्ट्रक्चरल कंपार्टमेंटेशन ऑफ लीव एज फाउंड इन द सी फोर प्लांट्स। देखिए सबसे पहले तो कैम प्लांट आपको क्लियर करने की जरूरत है, कैम प्लांट्स जो होते हैं वो क्रसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, क्रसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्रसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिक प्लांट जो है एसिड मेटाबॉलिज्म को जो रिप्रेजेंट करते हैं ये बेसिकली सक्यूलेंट जीरोफाइट्स, ये आप कह सकते हैं जो सक्यूलेंट जीरोफाइट्स ये हैं। और ये जो सक्यूलेंट जीरोफाइट्स हैं डेजर्ट में या फिर सब परफेक्टली एरिड जोन जो है वो वहां प्रेजेंट होते हैं जहां स्टोमेटा एट द टाइम ऑफ डे के ओपन नहीं कर पाते, ये खोल नहीं पाते, टेम्परेचर हाई होता है, रात के टाइम में CO2 इंटेक करते हैं और रात के टाइम में एसिमिलेट करते हैं। तो ये जो कैम प्लांट है इनको C4 प्लांट से जो है वो संरचनात्मक विभेदन जो है उसको स्पष्ट किया गया है। देखिए दोनों में जो साइकिल है फिक्सेशन का वो सेम है, CO2 फिक्सेशन का साइकिल कैम प्लांट्स में और C4 प्लांट्स में सेम है, लेकिन जो C4 प्लांट्स हैं उनमें स्पेसिफिकेशन है क्रेंज एनाटो में, वो C4 प्लांट में, वो C4 प्लांट्स में है, जबकि कैम प्लांट्स में C4 प्लांट्स की तरह क्रेंज एनाटोमी नहीं है। क्रेंज एनाटोमी जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं स्पार्टियल डिफरेंशिएशन ऑफ द साइट ऑफ द CO2 फिक्सेशन है, जिसमें मेसोफिल सेल्स और बंडल सीट सेल्स में फिक्सेशन हो रहा है। अब यहां हमें पूछा गया है कैम प्लांट्स लैग स्ट्रक्चरल कंपार्टमेंटेशन ऑफ लीव एज फाउंड इन C4 प्लांट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट है और बिल्कुल ये करेक्ट भी है, सर ने कांसेप्ट बताया है, कह रहा है इन फोटो रेस्पिरेशन पाथ नाइदर एटीपी नॉर एनएडीपी एच2 इज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस नहीं होता है या यूटिलाइज होता है। तो ये स्टेटमेंट ये भी सर सही है, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, तो स्टेटमेंट ए भी सही रहा और ये भी करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स हैं। हाँ, लेकिन दोनों की कनेक्टिविटी कोई नहीं है, ये फोटो रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, ये सी फोर प्लांट्स और कैम प्लांट्स में जो स्ट्रक्चरल रेफरेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर द फोर्थ आंसर हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट। नेक्स्ट 82, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। सर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल आपको यह दिया गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्लोरोफिल ए C55H72O5N4Mg। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला, करेक्ट है। फिर उसके बाद कह रहा है इट इज द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, डेफिनेटली प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से ही बना होता है, यूनिवर्सल भी होता है, इंपोर्टेंट भी है। इन प्योर स्टेट इट इज रेड इन कलर एंड दस इट एब्सॉर्ब मोर ब्लू वेवलेंथ ऑफ द लाइट देन द रेड वेवलेंथ। बिल्कुल ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहां पर मोर ब्लू कलर को, मोर ब्लू कह रहा है, बेसिकली देखो ब्लू स्पेक्ट्रम में जो है वो एब्जॉर्प्शन आप ये कह सकते हैं स्लाइट एब्जॉर्प्शन वहां ज्यादा होगा। बिल्कुल, क्योंकि वहां वेवलेंथ जो है वो कंपैरेटिवली शॉर्टर होती है, सो हाईली एनर्जेटिक वो होगी तो एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करेगी, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में क्लोरोफिल के रेस्पेक्ट में ये गलत हो गया। ओवरऑल फोटो सिस्टम के केस में सही बात है, ज्यादा एब्जॉर्ब की जाएगी ब्लू। इट इज सॉल्युबल इन वॉटर, यहाँ ये गलत हो गया, गलत हो गया, वॉटर इनसॉल्युबल होता है। हाँ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है उनमें तो ये हो सकता है सॉल्युबल, जबकि वॉटर में ये होगा इनसॉल्युबल, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो ए और बी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हुए हमारे पास, नॉट करेक्ट इन्होंने पूछा है, सी एंड डी करेक्ट, सी एंड डी।
ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 83, विद रेस्पेक्ट टू द कॉम्पनसेशन पॉइंट, कॉम्पनसेशन पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर C4 एंड C3 प्लांट्स। कॉम्पनसेशन पॉइंट देखिए बेसिकली फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को कंपेयर करके किया जाता है। पहले फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में सर CO2 यूटिलाइज हो रही है, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी में जो है वो CO2 रिलीज हो रहा है, तो अल्टीमेटली अगर दोनों बैलेंस हो जाए तो वो कॉम्पनसेशन पॉइंट आता है या कंपनसेट किया जाता है। अब जिन प्लांट्स में CO2 की रिक्वायरमेंट ज्यादा है ओबीएस है कंपनसेशन पॉइंट ऊपर आएगा, जिन प्लांट्स में रिक्वायरमेंट कम है कंपनसेशन पॉइंट नीचे आएगा। तो बच्चे सीधा कनेक्ट कर सकते हैं C3 और C4 लिखा हुआ ही है, तो C3 है उसका कंपनसेशन पॉइंट जो है वो C4 के कंपैरिजन में हाई होता है, और हाई नहीं सर इवन काफी हाई होता है, काफी हाई होता है। उसको तो हम 0 to 10 PPM तक भी, मतलब आप ये देखिए कि कम CO2 कंसंट्रेशन होगी ना तो भी C4 प्लांट अपने साइकिल इनिशिएट कर लेगा, और वो ही उसका स्पेसिफिकेशन है। C4 साइकिल जो है, C4 पाथवे इज बेसिकली द अडेप्टिव स्ट्रेटेजी, और वो अडेप्टिव स्ट्रेटेजी जो वो क्या कर रही है, लो CO2 अवेलेबिलिटी में भी ऑपरेट करवा रही है, वाटर स्ट्रेस को मैनेज कर रही है, इस तरीके की एक्टिविटीज वो कर रही है। तो सर इसमें फाइनल आंसर पे जाए, हम ये कह रहे हैं संतुलन बिंदु के संदर्भ में निम्न से कौन सा C4 तथा C3 पादपों के लिए सही है, एक समान नहीं होगा जैसा सर ने वहां एक्सप्लेन कर दिया, C3 प्लांट्स का हायर होगा और C4 प्लांट्स का लोअर होगा। क्लियर इट फॉर द बल्क फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, बल्क फिक्सेशन वो कह रहा है कार्बन का, तो बल्क फिक्सेशन कार्बन आप ये जानते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की बात कर रहा है। अब इनमें से मोस्ट प्रोडक्टिव हम देख सकते हैं जहां फोटोसिंथेसिस ग्रेड हाई है ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। सर देखो TRF ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इतनी जगह बच्चे पढ़ते हैं, पूरा इकोसिस्टम तो जो है उसमें इनकी काफी डिटेल पढ़ने को मिलती है, एंड क्रॉप प्लांट्स। तो देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम से जहां मैक्सिमम फिक्सेशन होता है, और क्रॉप प्लांट्स जो है वो आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम से जहां मैक्सिमम फिक्सेशन होता है। और इसमें भी सर मैं अगर एक एग्जांपल बोलना चाहूं तो जो सुगरकेन फील्ड है उनकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा आती है, इवन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से थोड़ा सा ही कम। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मानते हैं 4 to 5 kg पर स्क्वायर मीटर, और इसमें भी जो है वो 3 to 4 kg पर स्क्वायर मीटर तक अगर सुगर केन फील्ड है तो प्रोडक्टिविटी आ जाती है। तो एक तरीके से ये दोनों मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वाले एरिया, लेकिन इसने ऑप्शन में ओशियन भी दे दिया, ओशियन भी दे दिया। अब यहां कह रहे हैं बल्क फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, तो फिक्सेशन की प्रोसेस अगर आप देखें ओशियंस के केस में, तो यहां फाइटोप्लैंकटन से जो एफिशियंट फाइटोप्लैंकटन ये एफिशिएंट फोटोसिंथेट्स हैं जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं। यूनिट एरिया के रेफरेंस में सर ये जाएगा, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के रेफरेंस में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कार्बन फिक्सेशन ऑफ कार्बन, तो अपन बोलते हैं ओशियन जो है वो मेन सिंक है CO2 का, 71% ऑफ द कार्बन कंटेंट इज प्रेजेंट इन द ओशियन। इसके रेस्पेक्ट में अगर लैंग्वेज के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो फिर ओशियन का आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम फिक्सेशन अगर होता आपका तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आंसर हो जाता। फाइनलाइज किया जाए सर, क्वेश्चन में काफी अच्छी अच्छा ट्विस्ट है, इसको देखने की जरूरत है। जैसा सर ने डिटेक्ट किया है कार्बन फिक्सेशन की बात वो कर रहा है, और कार्बन का मैक्सिमम कंटेंट और अमाउंट ओशियंस में है, इसलिए हमने आंसर ये फाइनलाइज किया। नेक्स्ट 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम इन क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल एग्जांपल दिए कुछ एंजाइम्स है उनको उन्होंने डिफाइन किया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा क्लोरोप्लास्ट में मैक्सिमम अमाउंट में ये कौन सा प्रेजेंट होता है। बिल्कुल सिंपल है, देखो सर ये हेक्सोबायनेज है, आपके पास बचा है राइबुलोज RuBP कार्बोक्सिलेज़, इसको आप कह सकते हैं ये कार्बोक्सिलेशन की एक्टिविटी लिखी गई है, इसलिए सिर्फ कार्बोक्सिलेज लिखा गया, अदरवाइज ऑक्सीजनेज भी करता है तब आप उसको रुबिस्को लिख लेते हैं। NCERT ने लिखा है C3 प्लांट्स में, मोर करेक्टली इसको आप यही लिखे जब ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कर रहा है, मीन CO2 फिक्सेशन कर रहा है, तो सर ये अबंडेंट होता है इवन क्लोरोप्लास्ट में ही नहीं, ये मोस्ट अबंडेंट फॉर्म, अर्थ के ऊपर भी जो है अबंडेंट फॉर्म, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फॉर्म है। तो आंसर हमारा फाइनल हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट 86, प्लांट्स अडैप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी है, लो लाइट इंटेंसिटी के लिए प्लांट अगर अडैप्टेड है, सर एक बेसिक कंडीशन है ये कैनोपी एरिया किसी प्लांट का ज्यादा है, फिर कम है, फिर और कम है, इस तरीके से, और बॉटम में अगर आप देखें तो कुछ ग्रासेज है, तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से प्लांट्स का है, इसको हम स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ते हैं उधर इकोलॉजी। अब देखो ये जिसकी कैनोपी ज्यादा है ऑब्वियस है सनलाइट ज्यादा ट्रैप करेगा, कैनोपी रिड्यूस होती जा रही है सनलाइट कम ट्रैप करेगा, और फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी भी रेस्पेक्टिवली कम आएगी। लेकिन जो बॉटम में ग्रासेज है वहां तक लाइट की अवेलेबिलिटी या लाइट का पेनिट्रेशन अपने आप ही कम हो गया है,
तो ऐसी ये जो बॉटम की ग्रासेज और वेजिटेशन होंगी ये लो लाइट इंटेंसिटी के लिए अडेप्टेड होंगी। इवन सर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उनमें बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जो डार्कर जोन को रिप्रेजेंट करते हैं, अंधेरा रहता है वहां, तो वहां लो लाइट इंटेंसिटी में ही वो जो प्लांट्स हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो हमें यहां दे रखा है कि अगर ऐसा है तो उन प्लांट्स को क्या करना चाहिए, उनकी जो फोटोसिंथेटिक यूनिट साइज है वो लार्जर होनी चाहिए, तभी जाके वो क्या कर पाएंगे, अपना फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कर पाएंगे। लीव्स मॉडिफाइड एंड स्पाइंस कोई मतलब नहीं इसका, ये डेजर्ट का कोई एग्जांपल आपको दे रखा है। मोर एक्सटेंडेड रूट सिस्टम कोई मतलब नहीं है। हायर रेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन देन द सन प्लांट्स, ऐसा नहीं है, उनकी फोटोसिंथेटिक यूनिट्स जो है लार्जर साइज, वो लार्जर साइज की होनी चाहिए। तो हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इन द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज, बिल्कुल ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है क्योंकि कई बार इसी में कंफ्यूजन होता है। फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप, बिल्कुल आगे डायग्राम भी आएगा इसमें, जो साइकिल बनता है उसमें तीन स्टेप अपन जनरली काउंट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है वो बिल्कुल सिंपल है, डायग्राम को भी अपन रिप्रेजेंट करेंगे। जो RUBP है वो CO2 को क्या करेगा, रिसीव करेगा और PGA में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दैट इज द CO2 फिक्सेशन प्राइमरी। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो, थ्री कार्बन कंपाउंड होता है, इसीलिए C3 साइकिल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो सीधा आपको दे रखा है, देखो ATP का निर्माण ये है लाइट रिएक्शन का काम, यहां नहीं होगा। दूसरा आपको दे रखा है आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ये भी वाटर स्प्लिटिंग लाइट रिएक्शन में ही होती है। अटैचमेंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू ए पेंटोज लिखा है, RUBP पेंटोज शुगर के साथ अटैचमेंट हो जाएगा, ये हो गया। एक्साइटमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरोफिल बाय ए फोटोन ऑफ लाइट, ये सबसे पहली एक्टिविटी लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, क्लियर। सो नेक्स्ट 88, मैक्सिमम स्टार्च इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, मैक्सिमम स्टार्च कौन बनाएगा, तो देखो फोटोसिंथेटिक सेल्स जो है वो कुछ यहां दे रखी है। सर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा और पैलिसेड पेरेन्काइमा दो आपको ये दे रखे हैं, तो ये जो है वो डाइकोट प्लांट्स में आप कह सकते हैं जो मीजोफिल्स होती हैं या मीजोफिल सेल्स होती हैं उनका कैटेगराइजेशन आपको बता रखा है। अब वेस्कुलर टिश्यूज है, सीधा रिजेक्ट कर दीजिए आप, वेस्कुलर टिश्यूज का कोई लेना देना फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से नहीं है, और गार्ड सेल्स भी नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। ठीक है, अब आपके पास स्पॉन्जी पेरेन्काइमा और पैलिसेड पेरेन्काइमा बचा। बिल्कुल TS में जैसा रिप्रेजेंट भी करते हैं लीफ की TS में, तो स्पॉन्जी है वो बिल्कुल सरफेस पे प्रेजेंट है, अपर सरफेस पे पैलिसेड, और जो स्पॉन्जी है वो लूज स्वीथ की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली जो लाइट है मैक्सिमम यही क्या करेंगे, पैलिसेड रिसीव करेंगे, तो पैलिसेड में प्रोडक्शन अपर सरफेस, अपर एपिडर्मिस की तरफ अरेंज होते हैं वो, और यहां से फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज करते हैं, मैक्सिमम लाते हैं। ये जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि स्पॉन्जी में होना चाहिए, वो लूज सीथ है, लोअर सरफेस की तरफ है, ऑब्वियस है लाइट अवेलेबिलिटी उसको कम होगी, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो इसमें ज्यादा। और इसमें जो इस चैप्टर की बात करें तो सर देखा होगा एनाटॉमिकल एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, दोनों कनेक्ट करते हैं, इवन गार्ड सेल और स्टोमेटा के रेगुलेशन से लेकर क्रेन एनाटॉमी की कंप्लीट बातें यहां लिखी हुई। बिल्कुल, तो आप बच्चों जब भी पढ़ें तो जो मीजोफिल सेल्स और बंडल सीड सेल्स है ना उनका जो क्लोरोप्लास्ट है डाइमॉर्फिज्म है उसका, सारी बातें आप कनेक्ट कर बिल्कुल पढ़ें। नेक्स्ट, हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 89, विच इज रॉन्ग इन रिलेशन टू द फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन सर C2 साइकिल है, इस बार एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो यहां कह रहा है प्रकाश श्वसन के संदर्भ में कौन सा गलत है, इट अकर्स इन द डे टाइम ओनली। देखिए लाइट रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस की उसमें ATP का फॉर्मेशन हो गया, NADPH बन गया है। अब अल्टीमेटली जो डार्क रिएक्शन शुरू होती है उस डार्क रिएक्शन में जो रुबिस्को एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट पर अगर ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाता है तब आप ये कह सकते हैं फोटो रेस्पिरेशन होता है। सो एग्जैक्टली आप ये कहेंगे इट अकर्स इन द डे टाइम। फिर कह रहा है इट अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट, डेफिनेटली क्लोरोप्लास्ट में होगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ आप कह सकते हैं पूरा साइकिल जो है, बिल्कुल पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया तीनों जो सेल ऑर्गेनल है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल, फिर कह रहे हैं सर इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द C4 प्लांट, C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, फोटो रेस्पिरेशन वहां एग्जेम्प्ट होता है। उसका बेसिक रीजन ये है कि जहां रुबिस्को प्रेजेंट है, रुबिस्को की एक्टिव साइट के पास वहां ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। और लास्ट लिखा है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द C3 प्लांट, डेफिनेटली C3 प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, रॉन्ग स्टेटमेंट हमारे पास हो गया थर्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट 90, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट इज नॉट डायरेक्टली रिक्वायर्ड, लाइट डायरेक्टली रिक्वायर किसमें नहीं है, वो कह रहा है कन्वर्जन ऑफ ADP टू ATP, ADP से ATP बनाना है, ऑब्वियस है ATP फॉर्मेशन के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट है यहाँ। फिर कह रहा है रिडक्शन ऑफ NAD+ टू NADPH, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जो प्रोसेस हो रहा है PS सेकंड से जो PS फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसी से इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये रिडक्शन प्रोसेस, बिल्कुल तो ऑब्वियस है लाइट के प्रेजेंस में ये हो रहा है। फिर कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ 3 PGA फ्रॉम CO2 एंड RUBP,
ये सर आप जैसा अभी बता रहे थे जो C3 साइकिल उसका फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन और फर्स्ट स्टेप है, तो अल्टीमेटली यहाँ लाइट की डायरेक्ट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, लाइट के प्रोडक्ट्स की यहाँ रिक्वायरमेंट है। जैसा आपने अभी कॉन्सेप्ट बताया था, जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन है, तो दो रिएक्शन अपन स्टडी करते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो जो लाइट रिएक्शन है वहां पर आपके पिगमेंट्स प्रेजेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इसके अलावा यहाँ पर H2O की स्प्लिटिंग भी होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड ऑक्सीजन। इसके अलावा यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होगा एंड ऑल्सो NADPH2। और ये दो ATP एंड NADPH लेती जा रहा है एसिमिलेटरी पावर, तो एसिमिलेटरी पावर CO2 फिक्सेशन, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए फिर जो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती रहती है। और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जैसे आगे भी क्वेश्चन आएंगे, ATP और NADPH को वापस से रिसाइकिल हो जाते हैं, LR में चले जाते हैं वापस से और रिसिंथेसाइज। तो ये आपके पास जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी डायरेक्टली रिक्वायर नहीं था फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी में लाइट, वो था थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, हां जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 91, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स, आपसे पूछा गया कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व करता है। तो जो बैक्टीरिया में सर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है, बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, बेसिक रेफरेंसेज हैं, हम डायवर्सिटी से लेकर फिजियोलॉजी कई जगह डिस्कस करते हैं। एक आप कहेंगे नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और दूसरा आप कहेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो जो ऑक्सीजेनिक है ओबीएस है, उसमें H2O एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन डोनर यूज होगा, और जो नॉन ऑक्सीजेनिक कंडीशन है वहां H2S। वॉन नील का एक्सपेरिमेंट भी आपको दे रखा है, ये डायवर्सिटी में भी आता है, फिजियोलॉजी में भी दे रखा है। तो यहां नॉन ऑक्सीजेनिक जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बैक्टीरिया कर रहा है, ये आपको H2O कभी नहीं इन्वॉल्व होता हुआ दिखाएगा, मीन्स H2S एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन डोनर यूज होगा। तो ऑब्वियस है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो H2O तो पहले से यहां चला गया। अब सीधी कनेक्टिविटी है सर, H2O जहां स्प्लिट होता है उसी के साथ PS सेकंड होता है, सेकंड एसोसिएट करता है, तो ये भी नहीं होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर की स्प्लिटिंग जो है वो PS सेकंड के साथ एसोसिएट करती है, या फिर आपसे पूछा जाए इस बैक्टीरिया में H2O जो है वो स्प्लिटिंग में नहीं आता, तो उसका बेसिक रीजन ये भी है कि वहां PS सेकंड एसोसिएट नहीं होता। तो ये दोनों हमने रिजेक्ट कर दिए। अब ऑब्वियस है इस ऑप्शन में आपके पास PS सेकंड में लिखा है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर हुआ ओनली PS फर्स्ट, सिर्फ PS फर्स्ट बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। और जैसा सर हम ही बात अभी कर रहे थे, यहां अगर साइनो बैक्टीरिया ये कह देता बिल्कुल, तो वहां पर भी हमारा आंसर चेंज हो जाता। साइनो बैक्टीरिया के केस में हम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म पर चले जाते और आंसर में PS सेकंड भी इन्वॉल्व होता, H2O भी इन्वॉल्व होता, PS फर्स्ट भी इन्वॉल्व होता। क्लियर? नेक्स्ट 92, नंबर ऑफ द O2 मॉलिक्यूल्स इवॉल्व्ड पर क्वांटम ऑफ लाइट इज नॉन एच। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, क्वांटम रिक्वायरमेंट, क्वांटम यील्ड की ये बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो क्वांटम यील्ड है, उसने बोला है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व हो रहे हैं तो पर क्वांटम लाइट, जैसे अपन रिएक्शन की बात करते हैं C3 साइकिल C4 साइकिल की, तो जो C3 है वहां पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/4 से, और जो C4 है वहां पर होता है 1/8 क्वांटा जो है वो इन्वॉल्व होंगे, तब जाके एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिलीज होता है। तो ये बात कर रहा है किसकी, क्वांटम यील्ड की बात कर रहा है, वो संख्या जो है वो कहलाती है क्वांटम यील्ड। ठीक है, नेक्स्ट 93, विच ऑफ वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इवेंट्स ऑफ द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज नॉट करेक्ट। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दिया है और कह रहा है इसके लिए कौन सा करेक्ट नहीं है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, डेफिनेटली फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में होता है, PS सेकंड के साथ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा और यहीं से इलेक्ट्रॉन्स जो है PS फर्स्ट को ट्रांसफर होंगे। फिर कह रहे हैं ऑक्सीजन इज रिलीज, डेफिनेटली ऑक्सीजन इवॉल्विंग ही होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। Only one photosystem participates. ये सर गलत बात होगी। PS second और first दोनों participate करते हैं। ATP and NADPH are produced, ये भी सही है। तो जो नहीं सही है वो हुआ third, only one photosystem participates. 94, in C4 pathway, the CO2 fixation in mesophyll cells is carried out by the enzyme. CO2 fixation mesophyll cells में कैसे होगा? तो देखिए C4 प्लांट यहाँ दे दिया सर, C4 प्लांट एनाटॉमी के अकॉर्डिंग बात करें, वहां पर दो टाइप की सेल है, मेसोफिल सेल एंड बंडल शीट सेल, मेसोफिल सेल है बंडल शीट सेल है। तो ऑब्वियसली यहाँ मेसोफिल सेल का करैक्टर ही हो जाता है आपका पैप पेज जो प्राइमरी CO2 फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करता है, और उस आगे वाली सेल में बंडल शीट सेल में रुबिस्को, हां CO2 जो है वो फिर चला जाएगा C3 साइकिल में जहां पर की एंजाइम है रुबिस्को।
और इन दोनों में अगर देखा जाए तो सर उसको CO2 ज्यादा चाहिए फिक्सेशन की प्रोसेस में, एक्टिवेशन में आने के लिए, और ये लो CO2 अवेलेबिलिटी पर भी साइकिल को ऑपरेट कर देता है बिल्कुल। और यही स्पेसिफिकेशन है कि यहाँ मेसोफिल सेल्स लो CO2 अवेलेबिलिटी पर भी साइकिल को शुरू कर देती है और ऑर्गेनिक एसिड्स के कन्वर्जन से उसको CO2 मिलती रहती है। तो एक तरीके से रुपिस्को को इफेक्टिव CO2 सप्लाई दी जाती है जिससे प्रोसेस बना रहे, और यही रीजन है कि ये जो C4 प्लांट्स हैं ये मोर प्रोडक्टिव होते हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द क्रेन जनरेटर। मतलब आपको C4 प्लांट से रिलेटेड जितनी सारी बातें पूछे ना, घुमा फिरा के सबका आंसर एक ही है, द स्पार्टियल डिफरेंशिएशन ऑफ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दैट इज द क्रेन जनरेटर। तो फाइनलाइज करें सर, आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास पेप का। नेक्स्ट 9.5, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एंटीना बाय। तो देखिए लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम और एलएचसी की बात अगर कर रहा है तो यहां कुछ पिगमेंट यूनिट्स में बना रहा हूं, ये पिगमेंट यूनिट्स हैं और ऑरल इन सब पिगमेंट यूनिट्स के लाइट ट्रैप करने और ट्रांसफर के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया जाता है जो रिएक्शन सेंटर है। तो ये सब जो है वो एंटीना मॉलिक्यूल्स लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, एलएचसी या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इनको काउंट किया जाता है, जैसे लाइट एब्जॉर्ब किया गया फर्दर वन टू वन ट्रांसफर ये किया जाता है, रेजोनेंस ट्रांसफर जो एग्जैक्टली होगा, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए या रिएक्शन सेंटर से। ये आपने रिएक्शन सेंटर बताया है ना, ये रिएक्शन सेंटर ही मेरे ख्याल से क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ए है, वो एक मॉलिक्यूल ही रिएक्शन सेंटर का फंक्शन, वन मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल ए, तो वो करेगा। तो यहाँ कह रहा है प्रकाश हार्वेस्टिंग तंत्र एंटेनी भी कहलाते हैं, क्योंकि वो एंटेनी क्यों कहला रहे हैं, एंटेना मॉलिक्यूल क्यों कहला रहे हैं, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट। ऐसा नहीं है आप मोनोक्रोमेटिक लाइट एक्सपेरिमेंटली यूज कर सकते हैं, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेड पिगमेंट, रेड लाइट सिर्फ रेड लाइट ही एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द हेटरोक्रोमेटिक लाइट, डेफिनेटली हेटरोक्रोमेटिक लाइट पार को एब्जॉर्ब ये कर रहे हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिविटी से, जिसमें बेसिकली दो कैटेगरी है, ब्लू स्पेक्ट्रम एंड रेड स्पेक्ट्रम, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंफ्रारेड लाइट। तो आपका आंसर सर यहाँ हो जाना चाहिए, विषम वर्ण की प्रकाश अवशोषण के कारण इनको एंटीना मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, और बिल्कुल लिखा भी है एनसीआरटी ने कि ये फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को भी इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये फोटोसिंथेटिक यूनिट्स लाइट एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर कर रहा है एनर्जी। तो देखो रिएक्शन सेंटर को तो प्रोटेक्ट रख रहा है, फोटोऑक्सीडेशन से भी इसको बचा रहा है, ये डायरेक्ट लाइट लेता ही नहीं है एक तरीके से। तो ये आंसर सर हमारा फाइनल हुआ, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द हेटरोक्रोमेटिक लाइट। 9.6, अज्यूम a thylakoid is somehow punctured so that the interior of thylakoid is no longer separated from the stroma. Sir, जैसा डायग्राम बना रहे हैं वो कह रहा है thylakoid को पंक्चर कर दिया गया, ये thylakoids हैं यूनिट्स, अगर ये thylakoid पंक्चर होगी तो इनकी membranous part जो है वो scattered हो जाएगा, ये बोल रहा है पंक्चर्ड होगी, तो इसने पूछा कि डायरेक्टली किस पे अफेक्ट करेगी, तो लूमेन सर नहीं बन पाई, तो स्ट्रोमा और लूमेन जो है वो आपस में कॉमन हो गए, सेपरेशन नहीं कर पाएंगे इसमें। तो मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट है ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि इसमें एटीपी फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ग्रेडियंट बनाता है, ग्रेडियंट बनाता है। तो अब जैसा सर ने वहां देखो पंक्चर दिखाया, ब्रेकेज उसमें दिखाया, तो ऑब्वियस है एनक्लोजर कंप्लीट नहीं बन पाएगा, तो प्रोटॉन्स का एक्यूमुलेशन मतलब नहीं हो सकता, और प्रोटोन एक्यूमुलेशन नहीं हो सकता तो आप जानते हैं ग्रेडियंट नहीं बनेगा, और ग्रेडियंट नहीं बनेगा तो एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सब देख लेते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फोटोसिस्टम सेकंड टू फर्स्ट, ये तो हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं, मेम्ब्रेन के अंदर ही हो तो मेम्ब्रेन प्रोटोन ग्रेडियंट के नहीं बनने के कारण एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा। अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट 9.7, If the light compensation point occurs in plants, which one will not occur as an effect? बिल्कुल, अभी आपने डिस्कस भी किया था compensation point को, जहां पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है वो इक्वल बिल्कुल। CO2 compensation point basically हम उसको काउंट करते हैं, फोटोसिंथेसिस में CO2 फिक्स होता है, रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज होता है। यहां बात आपसे कर रहा है लाइट कंपनसेशन पॉइंट की, तो वो लाइट, वो पर्टिकुलर लाइट जहां वो दोनों बैलेंस हो जाए, मतलब वहां से फिक्स होने वाली CO2 और रिलीज होने वाली CO2 का अमाउंट इक्वल हो जाए, तो वो जब भी होगा तब एक कोई पर्टिकुलर लाइट इनपुट प्लांट में होगा, उसको लाइट कंपनसेशन पॉइंट यहां बोला जा रहा है। तो यहां देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम आ रहे हैं, रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन विल बिकम इक्वल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सही लिखा है। नो नेट प्रोडक्टिविटी भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, जब दोनों मतलब यूटिलाइज होने वाला, एक तरीके से एक एनाबोलिक है दूसरा कैटाबोलिक है, तो अल्टीमेटली बैलेंस प्रोडक्टिविटी जो है नहीं होगी। फिर कह रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फेज आर इन स्टेबल फॉर्म, ये स्टेबल हो जाएंगी बिल्कुल,
फिर कह रहा है इंक्रीज रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, इंक्रीज रेट फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, आप पहले क्लियर कर चुके हैं रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन विल बिकम इक्वल, इसलिए सर आंसर हमारा हो जाना चाहिए फोर। क्लियर। नाइट द सी फोर प्लांट्स, इन सी फोर प्लांट्स केल्विन साइकिल, सी फोर प्लांट्स में केल्विन साइकिल, बिल्कुल केल्विन साइकिल, सी3 साइकिल। देखो C3 साइकिल जो है ना सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में यूनिवर्सली प्रेजेंट होती है, ठीक है, चाहे वो C4 हो चाहे वो C3 प्लांट हो, कैम प्लांट हो, जितने फोटोसिंथेटिक फॉर्म है उनमें केल्विन साइकिल होती है, और केल्विन साइकिल C4 प्लांट्स में जो है वो होती है बंडल सीथ सेल्स में, ठीक है, जबकि अगर आप देखें C3 प्लांट्स में तो वो मेसोफिल सेल्स में कंप्लीट होती है। तो सर ऑप्शन पढ़ें, ये कह रहा है डज नॉट ऑपरेट बिकॉज पैप कार्बोक्सिलेज फिक्स मोस्ट ऑफ द CO2, डज नॉट ऑपरेट कहते हैं गलत बात हो गया, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर कह रहा है ऑपरेट्स इन बंडल सीथ, ठीक बात है, अभी आपने डायग्राम भी बनाया था, ये जो बंडल सीथ को यहाँ रिप्रेजेंट किया, दीज आर द मेसोफिल एंड दीज आर द बंडल सीथ, ऑब्वियसली जो बंडल सीथ है वहां पर C3 साइकिल जो है वो ऑपरेट होता है। फिर कह रहा है ऑपरेट इन द ग्रेना ऑफ द बंडल सीथ क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना नहीं कहेंगे आप ना, क्योंकि ग्रेना तो साइट लाइट रिएक्शन का होता है, बिल्कुल, यहाँ तो CO2 फिक्सेशन की बात की जा रही है, केल्विन साइकिल तो डार्क रिएक्शन का पार्ट है। फिर कह रहा है ऑपरेट इन द मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट, ऑपरेट नहीं होगा मेसोफिल में, नहीं होगा, तो आपका आंसर हो गया ऑपरेट इन द बंडल सीथ सेल्स। नेक्स्ट 99, मोस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ कैम प्लांट्स इज, जो कैम प्लांट्स हैं उनकी जो मोस्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटल मूवमेंट, स्कोटो एक्टिव का मतलब है डार्क टाइम में, बिल्कुल, या एट द टाइम ऑफ नाइट जो है वो स्टोमेटल रेगुलेशन वहां होगा। अभी हम एक क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि देखिए क्या होता है, जो सक्युलेंट जीरोफाइट्स हैं, मांसल मरुद्भिद पादप जिनको कहते हैं, जो एरिड जोन में प्रेजेंट होते हैं, उनके स्टोमेटा दिन में हाई टेम्परेचर के कारण ओपन नहीं हो पाते, नाइट टाइम ओपन, इस केस में वो नाइट टाइम में स्टोमेटा को ओपन करेंगे और CO2 एस्केलेशन, सही है, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं इसमें, बट ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी से इसका कोई रिलेशन नहीं। फिर कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ द मैलिक एसिड एट द नाइट, डेफिनेटली बिल्कुल होगा। फिर कह रहे हैं मैलिक एसिड का फॉर्मेशन तो सर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ही रेफर कर रहा है। फिर कह रहा है एब्सेंस ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इसमें नेग्लिजिबल फॉर्म हम कहते हैं, लेकिन ये कह रहा है मोस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ फोटोसिंथेटिक कैम प्लांट्स, तो कैरेक्टराइजेशन एक तरीके से हम करना है, तो ये मैलिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ द बोथ पैपकेज एंड रुबिस्को, ये प्रेजेंट है लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटी के परफॉर्मेंस पे आपको जानना है, इसलिए हम आंसर सर फाइनलाइज कर सकते हैं सेकंड आंसर यहां फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट, इन क्रेज एनाटॉमी द बंडल सीथ सेल्स है, अभी सर ने एक क्वेश्चन में बताया था, हमने कहा भी था कि एनाटॉमिकल कनेक्टिविटी जो है वो इसकी आती है, तो बंडल सीथ और ये मेसोफिल सेल्स, तो बंडल सीथ सेल्स के लिए सर लिखा है थिन वॉल्स, ठीक है, मेनी इंटरसेलुलर स्पेसेज एंड नो क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल ये इनकरेक्ट हो गया, थिक वॉल्ड होती है बंडल सीथ कंपेयर्ड टू मेसोफिल, गैसियस इंपरमेबिलिटी भी आप कह सकते हैं, ये कह रहा है इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है और क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है तो गलत हो गया। फिर कह रहा है सर थिक वॉल, बिल्कुल थिक वॉल है, बिल्कुल नॉन इंटरसेलुलर स्पेस एंड इंपरमेबल फॉर गैसेस, अभी मैं बोल रहा था सही हो गया, ठीक करते जाए आप उधर। फिर कह रहा है थिन वॉल्स, ये यही गलत हो गया। फिर कह रहा है थिक वॉल्स मेनी इंटरसेलुलर स्पेस एंड फ्यू क्लोरोप्लास्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस जो है इनमें एब्सेंट होता है, बिल्कुल पैक्ड होती है, पैक्ड होती है, तो आपका आंसर हो गया सेकंड करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 101, बंडल सीथ सेल्स आर रिच इन, बंडल सीथ सेल्स किस में रिच है, बंडल सीथ सेल्स में क्या प्रेजेंट है, तो बंडल सीथ सेल्स अभी आप कह रहे थे रुबिस्को प्रेजेंट होता है वहां, जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी सी फोर प्लांट्स में करता है, तो ऑब्वियस है हम कह देंगे रुबिस्को जो CO2 फिक्सेशन का एंजाइम है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम बिटवीन 400 टू 700 नैनोमीटर, सर ये पार बता रहा है, इज ऑल्सो रेफर्ड टू द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार, हम कई बार उसकी बात कर चुके हैं, सही है। मैग्नीज एंड क्लोरीन क्लोराइड आयंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, बिल्कुल सही बात, स्टेटमेंट अपन ने मिनरल न्यूट्रिशन वाले उसमें भी डिस्कस कर लिया था हमने। फिर कह रहा है इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन O2 इज नॉट रिलीज्ड बिकॉज़ NADP रिडक्टेज इज नॉट प्रेजेंट, वो कह रहा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, बिल्कुल यहां तक तो बात तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं होने का रीजन वहां ये है कि वहां वाटर की स्प्लिटिंग का एसोसिएशन ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है, NADP रिडक्टेज वहां प्रेजेंट नहीं है, उसका कारण यह है कि वो साइक्लिक हो गया, अदरवाइज वो नॉन साइक्लिक होता, बिल्कुल, तो ये यहां तक की बात अलग कारण में सही है, आधी बात दूसरे कारण से सही है, लेकिन एक साथ दोनों बातें सही नहीं। फिर कह रहा है तो वहां सर यही स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं, ये इनकरेक्ट हो गया, तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट ट्रू, फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
100C, ये सर एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में दे रखी है और कह रहा है इन द अमाउ स्केमेटिक डायग्राम विच इज प्लास्टोसाइनिंग, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को रिप्रेजेंट किया है ठीक। तो इसमें देखो क्वेश्चन तो इन्होंने सिंपल पूछा है लेकिन यही इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिफाइन कर। देखो ये फोटोसिस्टम सेकंड है, सोलर रेडिएशन को ट्रैप करता है और एग्जैक्टली इसके साथ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स आपको बच्चों दिखा रखा है जिसमें वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है एच प्लस आइंस, ये थाइलेकोइड लुमन में एक्युमुलेट होते हैं, ऑलवेज आपको पता रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से रिलीज जो होंगे वो सिस्टम के थ्रू कंटिन्यू हो जाएंगे बिल्कुल ठीक है। अब ये फोटोसिस्टम सेकंड जो है वो जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में आएगा रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देगा और सबसे पहले आप ये कह सकते हैं ये प्लास्टोक्विनोन जो यहां एक्सेप्टर होता है उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा। हालांकि होता ऐसा है कि रिएक्शन सेंटर अपने ऑर्बिट से बाहर आता है और सबसे पहले वो ही यहां एक्सेप्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फिर से रिसीव करता है डोनर एक्सेप्टर, वो अपना रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसके बाद में आप कहते हैं ये प्लास्टोक्विनोन को जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक बेसिक बात हो रहा है कि ये फ्यूफाइटिन के थ्रू मूव करता है बिल्कुल, पहले फ्यूफाइटिन आता है उसके बाद में एबी के अकॉर्डिंग उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, एबी के अकॉर्डिंग कर रखा है। तो अगर आप देखें तो फ्यूफाइटिन भी जा सकते हैं बी फिर प्लास्टोक्विनोन का रेफरेंस हम लिख सकते हैं। ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स होते हैं सर और जो डी है वो होता है प्लास्टोसाइन ठीक है। तो जैसा सर अभी बोल रहे थे ए फ्यूफाइटिन, बी प्लास्टोक्विनोन, सी साइटोक्रोम, B6F कॉम्प्लेक्स और डी जो है वो प्लास्टोसाइनिन प्रोजेक्ट होता है। और ये फाइनली यहां से फोटोसिस्टम फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन चले गए और यहां जो है वो आप जानते हैं NAD+ जो है NADP+ will convert into the NADPH और इसका जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो FES प्रोटीन है हाँ जो इनको प्रोवाइड करवा देगी रेडॉक्सिन की फॉर्म ठीक है। तो ये फाइनलाइज हुआ। तो हमारे से सर पूछा गया था प्लास्टोसाइनिन कौन सा ऑब्वियस है डी प्लास्टोसाइनिन हो जाएगा। नेक्स्ट 104 साइनोबैक्टीरिया इज डिफरेंट फ्रॉम पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बिकॉज साइनोबैक्टीरिया जो है वो पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से डिफर करता है। तो पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से डिफरेंस क्या है अभी हम क्या डिस्कस किया है। पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है और ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये O2 इवॉल्विंग या ऑक्सीजेनिक O2 इवॉल्विंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ठीक है। Have a membrane enclosed nucleus, दोनों ही नहीं है, सारे प्रोकैरियोट कोई मतलब नहीं इस बात का। यूज H2S एज इलेक्ट्रॉन डोनर, वो दोनों H2S को यूज करते हैं और डू नॉट रिक्वायर लाइट, लाइट तो रिक्वायर होगी अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जब भी A डिफर फ्रॉम B कोई क्वेश्चन आता है जैसे साइनोबैक्टीरिया A दैट डिफर फ्रॉम B इसमें दोनों दे रखे तो आपको हमेशा A का कैरेक्टराइजेशन ढूंढना है। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है सर कि जैसे पर्पल और ग्रीन दे रखा है तो वो इसको भी देख सकता है यूज H2S, ये भी तो A के रेस्पेक्ट में जो है स्टेटमेंट जो A दिया होता है उसके रेस्पेक्ट में उसका कैरेक्टराइजेशन आपको डिटेक्ट करना होता है। तो आंसर हमारा हो गया फोर्थ। इन द क्लोरोप्लास्ट द स्ट्रोमा लैमेली लैक, क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा लैमेली जो होती है उसमें पीएस सेकंड ऑलवेज एब्सेंट होता है बिल्कुल। ये डायग्राम बना के बता रहे हैं आपको बच्चों, देखो ये ग्रेना थाइलेकॉइड स्टैक्स हैं एक के ऊपर एक कॉइन फॉर्म में अरेंज है ये और इन थाइलेकॉइड्स को कनेक्ट कर रहा है या ग्रेना थाइलेकॉइड को कनेक्ट कर रहा है स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। और ये जो स्ट्रोमा लैमेली है एनसीईआरटी कह रही है पॉसिबली द लाइट रिएक्शन द सॉरी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लाइट रिएक्शन का जो है वो पॉसिबली अकर एट द स्ट्रोमा लेवल। और जनरली वो साइट वाले क्वेश्चन पूछता है जो ग्रेना ग्रेनम है वहां पर पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड दोनों प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल। और जो स्ट्रोमा लेमली है वहां पर मिलेगा आपको ओनली पीएस फर्स्ट। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की ही पॉसिबिलिटी यहां है बिल्कुल। और इंपॉर्टेंट है यहां पर जो एनएडीपी रिडक्टेज है जो आपने डिस्कस किया था वो भी एब्सेंट होगा, वो यहां मिलेगा एनएडीपी रिडक्टेज जहां साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वहां एनएडीपीएच वैसे ही है। और आप ये भी कह सकते हैं साइक्लिक वो है इसीलिए क्योंकि वहां क्या प्रेजेंट नहीं है एनएडीपी रिडक्टेज प्रेजेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं पीएस सेकंड और एनएडीपी रिडक्टेज, ये फोर्थ आंसर हो जाएगा सर बिल्कुल, फोर्थ यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट 106 कार शोइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस द सॉरी इट वाज फर्स्ट गिवन बाय द एंगलमैन यूजिंग ऑल एक्सेप्ट, एक्सपेरिमेंट की बात करें एंगलमैन एक्सपेरिमेंट दिया है ठीक है एनसीईआरटी में थोड़ा उन्होंने रिप्रेजेंट किया तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में जो मटेरियल काम में लिए थे उनकी बात कर रहा है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के भिन्न तरंगदैर्ध्यों को प्राथमिकता को प्रदर्शित कर रहा है सर्वप्रथम एक को छोड़कर यूज किया इसको यूज में नहीं लिया ऑब्वियसली वहां पर फिलामेंटस ग्रीन एल्गी जो है उसको यूज में लिया था, यूनिसेलर क्लोरेला को उसने यूज नहीं लिया। देखो ऐसा सिंपली किया गया
जैसे ये जो है इसको एक सस्पेंशन में रख लिया गया, बिल्कुल एरोबिक बैक्टीरिया सस्पेंशन में डाला गया, लाइट दी गई, प्रिंसिपल से लाइट जो है पार करवाई गई, तो ब्लू और रेड स्पेक्ट्रम ऑब्वियसली आता है, जहां ब्लू स्पेक्ट्रम था जहां रेड स्पेक्ट्रम था वहां एरोबिक बैक्टीरिया एक्युमुलेट हो गई, ग्रोथ ज्यादा हुई होगी, वहां ग्रोथ ज्यादा हुई, तो अल्टीमेटली ब्लू और रेड स्पेक्ट्रम में फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो मेंटेन है, ये भी इसको एक्सप्लेन करता है, एक्शन स्पेक्ट्रम जो उसने बताया, तो एरोबिक बैक्टीरिया का भी यूज हो गया, जो फिलामेंटस क्लेडोफोरा है उसका भी यूज हो गया, लाइट ऑब्वियस है, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंटल वे में ये लिया था, इसलिए आप कह सकते हैं यूज किया गया, तो एक हमारे पास बच गया क्लोरेला यूज नहीं, क्लोरेला जो है वो यूज इन्होंने नहीं किया, क्लियर। नेक्स्ट 107, व्हेन सनलाइट इज ऑन द क्लोरोप्लास्ट पीएच इज लोएस्ट इन, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, अभी बात कर भी चुके हैं अपन क्लोरोप्लास्ट की, अगर बात करें जैसे आपने बताया था जो आपका थैलिकॉइड है, तो थैलिकॉइड ल्यूमेन में आपने अभी कॉन्सेप्ट भी बताया, जो वाटर स्प्लिटिंग हो रही है तो प्रोटोनस के अंदर एक्युमुलेट हो रहे हैं, इसके अलावा जो प्रोटोन है वो बाहर से अंदर भी आ रहे हैं, इसके अलावा जो स्टोमा है वहां पर आपने बताया था NADP जो है वो NADPS को में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर प्रोटोन का अमाउंट कम हो जाएगा और यहाँ पर प्रोटोन का अमाउंट ज्यादा होगा, अब जितना प्रोटोन बढ़ेगा ऑब्वियसली यहाँ जो पीएच है वो पीएच उतना ही लो हो जाएगा, तो ये कह रहा है व्हेन सनलाइट इज ऑन द क्लोरोप्लास्ट पीएच इज लोएस्ट इन, पीएच लोएस्ट जो होगी वो होगी लूमन में, स्पेस एनक्लोज्ड बाय द ल्यूमन या थायलेकोइड लूमन, स्पेस एनक्लोज्ड बाय द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन नहीं होना चाहिए ना, थायलेकोइड मेम्ब्रेन, स्पेस एनक्लोज्ड बाय द थायलेकोइड मेम्ब्रेन, ये थर्ड आंसर हो जाएगा, जैसा सर ने डायग्राम बना के सारा एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट 108, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच देखना है, रीजनरेशन ऑफ पैप मेसोफिल सेल्स, बिल्कुल अपन ने भी कॉन्सेप्ट बताया था वही बार बार आ रहा है, मेसोफिल एंड बंडल सेल, तो जो मेसोफिल सेल है उनमें जो पीपी है उसका वापस रीजनरेशन होता है, पोस्ट मेनोपॉज जो है वो एग्जैक्टली इसमें बनेगा। फिर कह रहे हैं सर आरयूबीपी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी क्लोरोप्लास्ट, ऑब्वियस है ऑक्सीजनेज हो, कार्बोक्सिलेशन हो, दोनों ही क्लोरोप्लास्ट, फोटो रेस्पिरेशन अगर होता है तो क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में होगा। फिर कह रहे हैं फोटो रेस्पिरेटरी लॉस ऑफ CO2 साइटोप्लाज्म, नहीं सेपरेटली इसके लिए एपरेटस है ना, क्लोरोप्लास्ट है उसी में होगा। फिर कह रहे हैं डिकार्बोक्सिलेशन C4 पाथवे बंडल सीड सेल्स, डेफिनेटली डिकार्बोक्सिलेशन जो है C4 पाथवे का आप कह रहे हैं बंडल सीड सेल्स में हो रहा है, क्योंकि बंडल सीड सेल्स में जब एसिड कन्वर्जन होता है तो CO2 रिलीज होती है, उसी को क्या कह रहा है डीकार्बोक्सिलेशन। तो अल्टीमेटली हमारे पास सर आंसर आ गया, थर्ड था कि थर्ड, इनकरेक्ट पूछा है, थर्ड आंसर आ गया। 109, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबलिंग, बिल्कुल C3 साइकिल को उन्होंने रिप्रेजेंट किया यहां, हां पहले भी सर बता चुके हैं, ये देखिए तो सर हमें सीधा सीधा सा यहाँ से ए बी सी डी जो भी मेंशन कर रखा है ना उसको सिंपल है, ए जो है यहाँ पर जो प्राइमरी CO2 को क्या कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है, अभी बताया था अपने RuBb पेंटोसीवर है, और यहाँ ये प्रोसेस जो है दैट इज द कार्बोक्सिलेशन, और इसका जो प्रोडक्ट बनता है अभी डिस्कस किया था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आल्सो। फिर उसके बाद सर आगे सी दे अगला स्टेप जो है वो रिडक्शन का आ गया, जहां ATP NADPH2 को यूटिलाइज करेंगे, बिल्कुल फाइनली यहाँ पर फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट हेक्सोज वगैरह में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद में आपका स्टार्च ग्लूकोज वगैरह वो बन जाएगा, ठीक। उसके बाद में लास्ट स्टेप है थर्ड स्टेप दैट रीजनरेशन, तो ड्यूरिंग रीजनरेशन यूटिलाइजेशन ऑफ ATP एंड फॉर्मेशन ऑफ RuBb, तो इस तरीके से वो सारे वहां मार्क कर दिए हैं स्टूडेंट्स, आप इसके हिसाब से इसको मैच कर लें। नेक्स्ट 110, सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर, ये बहुत बेसिक बात है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए आपको 18 ATP एंड 12 NADPH रिक्वायर होते हैं, लेकिन ये कब होंगे जब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ये एग्जैक्टली रिएक्शन आपको पता रखनी है, 18 ATP एंड 12 NADPH व्हाइल वी आर यूजिंग द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, तो यहाँ क्वेश्चन भी वो थोड़ा सा अलग डिफरेंट वे में पूछ सकता है, अगर उसने बोला वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है तो 18 और 12 NADPH की, अगर एक CO2 मॉलिक्यूल को अगर बोल रहा है कि रिड्यूस करना है तो ऑब्वियसली डिवाइड बाय 6 कर देंगे आप, डिवाइड कर देंगे तो 3 और 2 वहां हो जाएगा, 3 ATP ओनली एंड 2 NADPH। जो C3 साइकिल की एक्सप्लेनेशन NCERT ने लिखी है ना सर, वहां सिंगल CO2 मॉलिक्यूल लेके ही चल रहा है, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट तो आंसर टिक करूं 6 CO2 18 ग्लूकोज के बारे में बात कर रहा है जी। 111, इन दिस डायग्राम ABC स्टैंड्स फॉर, ए बी और सी आपको दे रखा है, तो देखो ये जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको दिख रहा है, जिसमें आपको पता है कैरोटीनॉइड्स क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है स्टूडेंट्स ए बी और सी में, एब्जॉर्प्शन जो पीक है वो एब्जॉर्प्शन पीक है वो रिप्रेजेंट किया गया, ये एब्जॉर्प्शन पीक है, जैसे देखो इसका एब्जॉर्प्शन पीक ये रहा, ये एब्जॉर्प्शन पीक रहा और ये एब्जॉर्प्शन पीक अल्टीमेटली रहा, तो वो रेड स्पेक्ट्रम है, ये जो है वो ब्लू स्पेक्ट्रम है,
मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक यहाँ जो है वो आपको मिलेगा बिल्कुल जो अभी आपने बताया ब्लू स्पेक्ट्रम है, तो ऑब्वियसली यहाँ मैक्सिमम किसका होगा, यहाँ क्लोरोफिल बी हो जाएगा, बी का क्लोरोफिल बी बी, तो ए के रेफरेंस में क्लोरोफिल बी आपका आंसर होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको दे रखा है एक सी और बी से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो क्लोरोफिल ए उसके बाद में आपको ले लेना चाहिए, और उसके बाद में जो कैरेटिनॉइड्स उनको ले लेना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल बी ए एंड कैरेटिनॉइड्स। क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स थे फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट से आपके पास जो क्वेश्चंस थे उनको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है, और उनकी जो कनेक्टिविटी है उसको भी हमेशा की तरह जैसा हम करते हैं बाकी गुरु नीति एपिसोड्स में उसको भी कनेक्ट करके डिटेक्ट करके आपको बताने की कोशिश की है। आप हर बार जब भी पढ़ें थीम के साथ पढ़ें, कनेक्टिविटी के साथ पढ़ें, और अच्छे मार्क्स के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंट, हर ऑप्शन पे बात कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को भी उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करनी चाहिए। मतलब आप एनसीईआरटी को बहुत कीनली ऑब्जर्व करें, हर एक स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन आप पता रखें, बहुत इजीली आपको ये सब समझ आएगा और ये मैटर आपको काफी हेल्प करेगा। सो एंजॉय द प्लांट फिजियोलॉजी, एंजॉय द बॉटनी। थैंक यू।